जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं आज के हमारी सबसे पहली अपडेट के बारे में। सो अभी हम बात करने वाले हैं खान सर के बारे में। यूट्यूब पर एक चैनल है M2R Entertainment, जिन्होंने खान सर के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई। मतलब वहाँ पर खान सर की सारी जर्नी के बारे में बताया, कहाँ से वो स्टार्ट किया उन्होंने, अभी तक कहाँ तक वो किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, जो कि मैंने भी देखी पर्सनली। काफी अच्छी उन्होंने शॉर्ट फिल्म क्रिएट की। इसी चीज के ऊपर खान सर का भी रिएक्शन आया। उसी वीडियो के नीचे, उसी शॉर्ट फिल्म के नीचे खान सर ने भी एक कॉमेंट किया है। खान सर ने लिखा, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम समझ सकते हैं आप लोगों को कितना ज्यादा मेहनत लगा हुआ इस वीडियो को बनाने में। बाकी अगर आप लोग शॉर्ट फिल्म देखना चाहते हो, देन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप चाहो तो शॉर्ट फिल्म को देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अभी हम बात करने वाले पठान मूवी के बारे में। सो क्या पठान मूवी का नाम एंड उसकी जो रिलीज डेट है उसको चेंज किया जाएगा? तो अभी आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा पठान मूवी की कितनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो रखी है। ठीक है, पठान मूवी काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में उलझी हुई है। देन इसी के बीच में न्यूज निकल के आ रही है कि पठान मूवी का नाम एंड उसकी रिलीज डेट है वो चेंज हो सकती है। इसी चीज को लेकर KRK ने ऑल्सो एक ट्वीट किया था, ब्रेकिंग न्यूज, आदि चोपड़ा ने एसआर के आर थिंकिंग टू चेंज नेम ऑफ पठान फिल्म एंड रिलीज डेट आल्सो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कैन केम ऑन मंडे। उन्होंने बताया कि पठान मूवी का नाम और उसकी रिलीज डेट चेंज हो सकते हैं। इसका जो अनाउंसमेंट है मंडे के हो सकता है। इस चीज के ऊपर आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर से शेयर करना। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। तो अभी हम बात करने वाले लक्ष्य चौधरी से। क्या लक्ष्य चौधरी ने क्रेजी XYZ को एक्सपोज कर दिया? सो पिछली वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया था क्रेजी XYZ को एक कोबरा स्नेक के थ्रू बाइट कर लिया गया था। देन उसके बाद उनको हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट किया गया, उनकी टीम के थ्रू इन्फॉर्म किया गया था एक वीडियो बना के। उसके बाद में क्रेजी XYZ ने खुद ने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, अपनी हेल्थ की अपडेट देती है, जितनी भी फेक न्यूज फैलाई जा रही थी उसके बारे में भी अवेयर किया था। इसी चीज को लेकर लक्ष्य चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया था, दिस पिक्चर ऑन थंबनेल इट्स क्लियरली यूज्ड फॉर क्लिकबेट, एक्चुअल वीडियो डज नॉट हैव मच सीन। पहले मिस्टर इंडियन हैकर की स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट और अब क्रेजी XYZ को सांप ने काट लिया, कोइंसिडेंट ही होगा। आई एम नॉट देयर हेटर्स बट सीम्स लाइक दे नो रियली वेल हाउ टू फूल किड्स, सैल्यूट टू हिज फ्रेंड हु मैनेजेस टू टेक ए परफेक्ट पिक्चर फॉर हिम ड्यूरिंग सच ए रश। उनका कहने का मतलब है कि जो वीडियो था वो जनरली फेक है, वो जो परफेक्ट पिक्चर कैसे ले सकते हैं? जब भी कोई यहाँ पर आपको कोई सांप काटता है देन वहां पर कितनी ज्यादा हड़बड़ाहट रहती है, जल्दी जल्दी में कैसे आपने उन्होंने वीडियो भी बना के डाल दिया, उन्होंने एक परफेक्ट पिक्चर भी ले, पहले मिस्टर हैकर की कार का एक्सीडेंट होना देन अभी क्रेजी XYZ को सांप ने काट लिया, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। इस चीज को लेकर उन्होंने जनरली ट्वीट किया था। बाकी इस चीज के ऊपर आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सो अभी हम बात करने वाले सोनी टीवी के बारे में। सो सोनी टीवी पर एक शो आता है क्राइम पेट्रोल, जिसकी वजह से अभी काफी बड़ी हंगामा, काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। एक्चुअल में हुआ क्या था, तो अभी आपको थोड़े टाइम पहले का एक लव जिहाद का केस पता होगा, आफ्ताब एंड श्रद्धा का, जहां पर जो आफ्ताब रहता है एक मुसलमान लड़का रहता है, श्रद्धा जो एक हिंदू लड़की रहती है, आफ्ताब ने उसका मर्डर वगैरह कर दिया था, उसकी जो लाश के टुकड़े वगैरह करके यहाँ पर फेंक दिए। ये काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, सोनी टीवी के ऊपर एक क्राइम पेट्रोल शो आता है, उन्होंने इसी रियल स्टोरी के ऊपर एक एपिसोड निकाला है, जो कि एपिसोड का नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो, किस दिन एपिसोड आया वो यहाँ पर आप देख ही सकते हो। इसी चीज को लेकर अभी काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। एक्चुअल में हुआ क्या था, क्राइम पेट्रोल का जो एपिसोड आया वहां पर आफ्ताब का नाम जो यहाँ पर एक हिंदू लड़के का नाम मिहिर रख दिया, श्रद्धा का नाम यहाँ पर अन्ना फर्नांडिस रख दिया, एंड इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो रखी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कैसे एक मुसलमान लड़के को हिंदू नाम देके वो जो रियल स्टोरी है ना, तो रियल नाम रखो वहां पर, देन लोगों का यही कहना है। इस चीज के ऊपर काफी सारे ट्वीट्स एंड काफी सारे आर्टिकल्स हैं। तो सम्राट भाई ने भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया, एक ट्वीट किया, जो कि आप रीड करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। हम बात करने वाले 27 ईयर ओल्ड यूट्यूबर से, जिनकी की अभी जो डेथ हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका एक यूट्यूब चैनल जिसपे की 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स था, इनका नाम था किनान काहिल। देन इनकी जो सिर्फ 27 ईयर ओल्ड थी, क्या हुआ कि अभी थोड़े टाइम पहले इन्होंने एक सर्जरी करवाई थी, ठीक है, जो कि सर्जरी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई, देन उसके बाद उनको काफी बुरी कंडीशन हो गई थी, अभी जो इनकी डेथ हो चुकी है। इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह भी आए, अगर आप रीड करना चाहते हो तो वीडियो को पोस्ट करके रीड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अभी हम बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियोस में आप सभी के साथ में शेयर किया था ट्रिगर्ड इंसान सर्कस मूवी का रिव्यू शेयर किया था, वहां पर उनको एक सब्सक्राइबर्स ने मैसेज ट्वीट किया था कि क्या आप ट्रिगर्ड इंसान मेन चैनल पे अपना सर्कस मूवी का एक रोस्ट वीडियो निकाल सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, ट्रिगर्ड इंसान का आज जो सर्कस मूवी के ऊपर एक रोस्ट वीडियो आ चुका है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चाहो तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी यही थी आज की सारी सारी अपडेट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना। 2022 का हमारे लास्ट वीडियो था, ठीक है, जिसको आप 2023 में ही अभी आप देख रहे हो 1 जनवरी को, क्योंकि वीडियो रात में अपलोड होगा। बाकी अगर आप लोग और भी ऐसे अपडेट देना चाहते हो, और भी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग न्यूज, पूरे सोशल मीडिया से अपडेट रहना चाहते हो, देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करो।